हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जिला मुख्यालय नाहन में लगातार बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर लोगों को जागरूक करने के मकसद से स्वास्थ्य विभाग ने आज नाहन में एक रैली का आयोजन किया। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली में भाग लेते हुए लोगों को डेंगू से बचाव के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया। आपको बता दें कि नाहन में अभी तक डेंगू के 100 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और नाहन का अमरपुर मोहल्ला डेंगू के लिए हॉटस्पॉट साबित हो रहा है। नाहन से हमारे संवाददाता जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। ये रैली हमारी डेंगू को लेके है। जैसा कि आप जानते हैं कि नाहन शहर में डेंगू के बहुत से केसेस मिले हैं। ये केसेस मेनली हमें अमरपुर मोहल्ला में मिले हैं और एक हफ्ते से पिछले अमरपुर मोहल्ला में हमारी आशाएं और आंगनवाड़ीज मिलके जा रही हैं। हमारे हेल्थ एजुकेटर लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों के घरों में पानी का क्या क्या खाली करना है उन्हें एजुकेट कर रहे हैं। बिकॉज डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसमें प्रिवेंशन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एज सच कोई ज़्यादा इलाज नहीं होता। अगर हम इलाज की बात करें, किसी को डेंगू हो जाता है तो इसमें मेनली यही है कि पानी बहुत ज़्यादा पिएं, अपना प्लेटलेट काउंट कराते रहें और डॉक्टर से ज़रूर मिलें। अगर हम आंकड़ा देखें तो 93 से ज़्यादा हमारे पास रिकॉर्ड आ चुका है, पर हमने सुना है कि मेडिकल कॉलेजेस में कुछ और आए हैं जिसका आंकड़ा अभी मेरे पास नहीं है। तो 100 के करीब हमारे केसेस क्रॉस कर चुके हैं। जो हमारी आशाएं हैं लगभग 450 घर विजिट कर चुकी हैं और जितने भी लोग पॉजिटिव आए थे उन सब के घर में आशाएं जा चुकी हैं और लोगों से बात कर चुकी हैं। हर पेशेंट पे हमारी नज़र है और बस लोगों से यही गुजारिश है कि जो अपने आसपास के जो अपने घर में हम ये जो मच्छर है हमारे घर में रहना पसंद करता है, घर में हमारे बेड के नीचे हमारे कमरे में जहाँ एसी चल रहा है वहाँ होगा ये मच्छर, और हमारे कूलर्स में शायद गर्मी बहुत पड़ी तो इसलिए लोगों ने कूलर्स बहुत चलाए उसमें पानी जो भरा और तो वो पानी साफ़ नहीं किया। तो इन्हीं सब बातों के लिए एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि हमें डेंगू के बारे में बहुत नॉलेज है, बट ऐसा नहीं है। डेंगू एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें एकदम से कब जान चली जाती है पता नहीं लगता। आपने भी देखा कि पिछले साल भी डेंगू से मतलब एक दो डेथ्स हुई थी। तो एक भी बंदे को हम डेंगू की अनअवेयरनेस की वजह से खोना नहीं चाहते। तो इसी सिलसिले में हमने आज छोटी सी एक रैली निकाली है, जा रहे हैं। अब हम लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करेंगे और घर घर अमरपुर मोहल्ला में आशा और आंगनवाड़ी मिल के जाएंगे। तो मीडिया से भी मेरी गुजारिश है कि बार बार डेंगू के बारे में लोगों को एजुकेट करते रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।